वेलकम टू चैनल। दोस्तों देख सकते हैं ये केंट का ग्रेविटी बेस्ड यूएफ प्योरीफायर है, इसका रिव्यू आज हम करने वाले हैं। इसको खोल के देखेंगे और आपको बताएंगे कि ये किस प्रकार ये काम करता है। देख और इसमें तीन लेयर है, तीनों लेयर में देके पानी अंदर तक आता है, नीचे तक, और ये प्योरीफाई करता है। और इसको रिव्यू करने के बाद हम आपको बताएंगे कि आपको ये खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। आपको रिव्यू करने के बाद दोस्तों ये कार्बन है, अगर आप इसको पहली बार यूज कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले 2-3 बार आप इसके अंदर पानी डालें और पानी डालने के बाद इसको साफ होने के बाद ही आप इसको यूज करें। और देख सकते हैं दोस्तों ये आपको 2 पीस एक्स्ट्रा भी मिलता है, आपको बॉक्स के अंदर आपको 2 पीस एक्स्ट्रा। उसके बाद हमने इसको फिटिंग कर दिया है, देख सकते हैं कुछ इस प्रकार ये फिटिंग होने के बाद दिखता है। अभी इसके ऊपर हम इंस्टॉल करेंगे इसके अंदर। जब पहली बार आप इसको यूज करते हैं देख सकते हैं कार्बन नीचे गिरा है, काला पानी कुछ थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। इसको आपको 2-3 बार, पहली 2-3 बार आप इसको यूज नहीं करना है, इसको छोड़ देना है और ये साफ हो जाने के बाद आप इसको यूज कर सकते हैं। दोस्तों ये इसका देख सकते हैं, ये इसका देख सकते हैं दोस्तों ये फिल्टर है और ये कुछ इस प्रकार इंस्टॉल होता है। अभी हम इसको खोल के दिखाएंगे आपको। दोस्तों जब आप इसको खोलते हैं तो आपको इसके अंदर थोड़ा इस प्रकार यहाँ पर कुछ लगा के प्रेस करके आप इसको खोलना है, वरना ये नहीं खुलेगा। ठीक है, देख सकते हैं ये इसका फिल्टर है ठीक है, ये बहुत ही अच्छा फ़िल्टर है। 0.2 का इसका जो फ़िल्टर साइज़ है इसके अंदर, जो कि कई बार ये बैक्टीरिया को भी रोक देता है। बैक्टीरिया का भी साइज़ होता है 0.5, कई बार ये बैक्टीरिया को भी रोक देता है। और ये केंट का देख सकते हैं, केंट का यूएफ मेम्ब्रेन है वाटर प्योरीफायर, और ये किस प्रकार इंस्टॉल होता है मैंने तो आपको दिखा चुका हूँ। देख सकते हैं इसके अंदर जो पानी है बिल्कुल साफ पानी है, पता ही नहीं चल रहा है कि इसके अंदर पानी है, लेकिन इसके अंदर पानी है। ठीक दोस्तों, ये इसका लॉक सिस्टम है, आप इसको लॉक कर सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं लॉक करने का क्योंकि ये ऊपर का देख सकते हैं, ऊपर का हिस्सा इस तरह खोल जाता है, तो ज़रूरत नहीं है। बस आप इसको इस तरह लगा दीजिए, ठीक है, चाहे तो लॉक भी लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है कि आप किन लोगों को इसको ख़रीदना चाहिए, किन लोगों को इसको ख़रीदना नहीं चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर आपका वाटर टीडीएस लेवल जो है 200 या उससे नीचे है तो आप इसको ख़रीद सकते हैं। अगर आपका 200 से ज़्यादा टीडीएस है तो आप इसको ना ख़रीदें, आपको आरओ प्योरीफायर लेना चाहिए। ठीक है, साफ शब्द में कहें तो जिन लोगों का पानी अच्छा है तो आप वही लोग इसको खरीद सकते हैं, जो बस आप इसको छान के पी सकते हैं। जैसे कि थोड़ा बहुत देख सकते हैं, अगर आप देखेंगे तो धुंधला दिखता है पानी के अंदर, या अगर आप म्यूनसिपलिटी का पानी कह सकते हैं, जो कि पानी अच्छा होता है लेकिन बहुत दूर आने के कारण थोड़ा बहुत ख़राब हो जाता है, तो आप इस तरह का पानी को आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके घर में नल का पानी जो आ रहा है अगर वो पी सकते हैं तो भी आप इसको इसमें यूज कर सकते हैं, जो कि और बहुत ही अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आपका वाटर टीडीएस जो है 200 से ऊपर है तो आपको आरओ प्योरीफायर लेना चाहिए। ठीक है, आरओ प्योरीफायर जो होता है ये 4th लेवल बेसिस में होता है, जो कि वाटर पम्प की मदद से वो बहुत और छोटा भी इसका साइज कम हो जाता है, यानी कि 0.02 का साइज हो जाता है वो। ठीक है, तो आपको तब इसको खरीदना चाहिए जब आपका पानी अच्छा हो, तो पी सकते हैं। बस आप इसको और भी अच्छा बनाने के लिए आप यूवी वाटर ग्रेविटी बेस, अगर आप इसकी देखेंगे तो बहुत ही अच्छा है इसका मटेरियल, जो कि हार्ड प्लास्टिक है और मुझे लगता है कि लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। देख सकते हैं केंट का ये गोल्ड ऑप्टिमा ग्रेविटी वाटर प्योरीफायर है। इसमें थोड़ा बहुत अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ लिखा गया है, उसके प्रोडक्ट का डिटेल्स लिखा गया है, जो कि 2000 लिखा गया है इसका प्राइस, जबकि अमेजोन पे ये 1700 के आसपास ये मिलता है, कभी कभी ऑफर में और भी कम हो जाता है। ये 10 लीटर का वाटर प्योरीफायर ग्रेविटी बेस्ड वाटर प्योरीफायर है। और यहाँ अगर आपको बेनिफिट पता करना है कि यहाँ पर किस प्रकार का बेनिफिट इसमें मिलता है तो आप इसको पढ़ सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा गया है कि नो यूज ऑफ केमिकल लाइक क्लोरीन एंड ब्रोमाइन एंश्योर स्वीट एंड टेस्टी वाटर विदाउट एनी ऑर्डर, यानी कि आप जो क्लोरीन मिलाया जाता है पानी को शुद्ध करने के लिए और ब्रोमाइन मिलाया जाता है पानी को और टेस्टी बनाने के लिए, जैसे कि पानी का मीठा होता है। अगर आप मिनरल वाटर पिए होंगे तो आपको मिनरल वाटर बहुत मीठा लगता हो, तो उसमें ब्रोमाइन मिलाया जाता है, जो कि सेहत के लिए कई हद तक अच्छा नहीं होता है सबके लिए। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर स्टोर 10 लीटर ऑफ वाटर ड्रिंकिंग एंड कुकिंग, आप 10 लीटर इसमें स्टोर कर सकते हैं, जबकि 10 लीटर स्टोर नहीं होता है, इसमें आप 4 लीटर से 3 लीटर स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर देखेंगे तो 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। ये टोटल मिलकर 10 लीटर होता है, यानी कि 10 लीटर आप स्टोर नहीं कर सकते हैं, कहीं ना कहीं आपको इसमें नीचे वाले के आधे हिस्से में तो आपको स्टोर करना होगा, तो आपको वो डिवाइड होकर 3 से 4 लीटर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद लॉन्ग लाइफ यूएफ मेम्ब्रेन एंड एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर 10 इकोनॉमिकल इन लॉन्ग रन, यानी कि यहाँ पर जो भी फिल्टर लगाया गया है लंबे समय तक ये काम करेगा। ठीक है, उसके बाद यूएफ मेम्ब्रेन एंड एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर एंश्योर बेटर प्योरिफिकेशन, बहुत अच्छा है। उसके बाद टेस्टेड बाय रिकॉग्नाइज्ड लैबोरेटरीज, ये लैबोरेटरीज में टेस्टेड किया गया है तभी इसको आप यूज़ कर रहे हैं। और उसके बाद देख सकते हैं ये 4 फास्ट में सेडिमेंट फिल्टर होता है पहला, उसके बाद एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर होता है, उसके बाद यूएफ मेम्ब्रेन, उसके बाद पानी प्योरीफाई होता है। दोस्तों ये कई हद तक ये बहुत ही अच्छा होता है, ये सिंपल दिखता है लेकिन कहीं ना कहीं ये थोड़ा बहुत हमें मदद करता है पानी को साफ करने। और उसके बाद दोस्तों इसका जो फिल्टर है ये 4000 लीटर प्योरीफाई करने के बाद आप इसको एक बार चेंज करेंगे, और इसमें एक सिरिंज भी दिया गया है, आप सिरिंज की मदद से भी आप इसको उल्टा पानी स्प्रे करके इसको थोड़ा बहुत साफ़ कर सकते हैं। लेकिन 4000, और आपको हर हफ्ते ये डब्बे को, अगर आपका डब्बे काले हो जाता है तो आप इसको हर हफ्ता है। ठीक है, और 4000 लीटर होने के बाद आप नीचे वाले कार्बन जो मेम्ब्रेन फिल्टर है उसको आप, उसके साथ कार्बन फिल्टर जो है उसको भी आप साफ़ करें और आपको अमेजोन पे भी ये वाला जो कार्बन फिल्टर है मिल जाएगा। अप्रोक्सीमेटली 500 से 600 रुपये लगेगा, थोड़ा अच्छा क्वालिटी का जो कि जिसका साइज़ बहुत कम होता है और जितना साइज़ कम होगा उतना पानी और बहुत फिल्टर होके आएगा नीचे। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, और मैंने आपको बता दिया कि आपको ये चीज़ खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं ये फ़िल्टर कैसा लगा आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग।